तो अपने आदमियों के साथ अपने पुलिसकर्मियों से बाहर आता है और बिना बात किए, ये भी नहीं कि थोड़ा सा पॉज कीजिए, बात कीजिए किस बात में धरना हो रहा है, सीदा हमला किया। द पुलिस ऑफिसर अलोंग विद हिज मैन पाउंस ऑन हर्षदेव सिंह एंड बारबेरिकली यू नो ड्रैग्ड हिम ऑनटू द ग्राउंड। ये कैसा तरीका है यार, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऐसा व्यवहार, वो उस शख्स के खिलाफ उसके साथ ऐसे व्यवहार हो रहा है जो 3 टाइम MLA रहा है, शिक्षा मंत्री रहा है, पढ़ा लिखा है लेजिस्लेटर रहा है, बेस्ट लेजिस्लेटर का उसका अवार्ड मिला है, उसकी उसने जो जो अपने समय में जो कार्य किए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। कल डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से जो तस्वीरें निकल कर के आई काफ़ी विचलित कर देने वाली थी, और जहां हर एक ने उसकी मजम्मत की, हर्षदेव सिंह जी जो हर गरीब आवाम की जो है आवाज़ बनते हैं, हर छोटे बड़े मुद्दे पे जो है वो लोगों की आवाज़ बन कर के उभर कर के सामने आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार से जो है गुहार लगाते हैं कि ये जो मामलात हैं इन पर कहीं ना कहीं जो है उसको अवगत करवाते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, इसको आप सही कर लीजिए, लोगों में नाराज़गी है आपके ख़िलाफ़। वही अपना काम वो जिस तरह से लगातार पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, वही काम वो कल भी कर रहे थे थाने के बिल्कुल बाहर, उधमपुर थाने के बाहर वो अपना प्रोटेस्ट जो है वहाँ पे कर रहे थे, और जिस तरह से उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि युवाओं को जो है वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना किसी मतलब के उनको जो है तंग किया जा रहा है, उसको लेकर के वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, और एकदम से वहाँ पे पुलिस आ जाती है और किस तरह से उनके साथ धक्का मुक्की होती है, किस तरह से उनको नीचे गिराया जाता है, किस तरह से उनको उठा करके जो है अंदर जो है थाने के अंदर ले जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हर कोई, चाहे वो अपोजिशन का नेता हो, चाहे कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो, सारे इसकी मजम्मत कर रहे हैं कि ये तरीका जो अपनाया गया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस उधमपुर के द्वारा ये सही नहीं है। और आज जो है हर्षदेव सिंह जी के द्वारा जो है एक मेमोरेंडम SSP उधमपुर को दिया गया है कि उस SHO को जो है अरेस्ट किया जाए, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई किया जाए, और उनके साथ में जो उनके साथी थे बाकी लोग उनके भी नाम दिए गए हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे साथ गगन प्रताप जी मौजूद हैं जो कि हर्षदेव के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, पैंथर पार्टी के नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गगन जी, कैसे देखते हैं ये सारा जो कल वाकया हुआ है और आज हर्ष जी भी SSP उधमपुर से मिले हैं, कैसे देखते हैं? इस वाकये की जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है अरफाज साहब। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि ये जो हर्षदेव जी के ऊपर हमला हुआ है पुलिस उधमपुर पुलिस द्वारा, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर हमला हुआ है। देखिए, पिछले कल हर्षदेव जी अपने पार्टी वर्कर्स के साथ वहाँ पर उधमपुर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुद्दे जो है बड़े संगीन हैं, युवाओं की बात की जा रही थी उसमें लैंड माफिया के ऊपर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लिकर माफिया के ऊपर उसके विरोध में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि आपने देखा लिकर जो ओवर चार्जिंग चल रही है, ये किसी एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का मसला नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर का मसला है। माइनिंग माफिया के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो चल रहा था वो पशु तस्करी के खिलाफ चल रहा था, और पुलिस स्टेशन के बाहर करने का कारण ये था कि ये हम लोग ये पूछ रहे थे, पैंथर्स पार्टी के जो कार्यकर्ता हर्षदेव जी के साथ पूछ रहे थे कि पुलिस ने जितनी भी कंप्लेंट्स वहाँ लॉज हुई इसके खिलाफ क्या जो है अभी एक्शन लिया है। लेकिन आपने देखा क्या, जब अभी वो मीडिया को बाइट दे रहे थे हर्षदेव जी, और देखने में आया कि जो SHO है उधमपुर है वो अपने 5-6 पुलिस कर्मियों समेत गाड़ी में सायरन बजाता हुआ धन धराते हुए बाहर निकला, और जिस तरह से उनको हर्षदेव जी के साथ जो मैन हैंडलिंग हुई है, उनको धक्का दे के नीचे गिराया, रगड़ के घसीटते हुए जो है थाने में लेके गए, उनके साथ उनको पीटा गया, साथ में उनकी धनपत्नी भी खड़ी थी, और जिस तरह से उनको लेकर जाया गया थाने के अंदर, यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का गुंडा राज कैसे जो है पनप रहा है उधमपुर के अंदर। और मैं बताऊंगा, ये जो गुंडा राज है ये किसी गेस्टापो पुलिस से कम नहीं है। हिटलर के ज़माने में भी नाजी जर्मनी में सीक्रेट पुलिस का नाम गेस्टापो पुलिस था, जिस तरह हिटलर अपनी पुलिस का इस्तेमाल करता था, उसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है ये पुलिस का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, लोगों की आवाज़ को कुचला जा रहा है, दमनकारी नीति है, शोषण की राजनीति चल रही है, और आज जो आवाज़ जो ये सत्ता के विरुद्ध जो इनकी जो कुनीतियाँ हैं इसके विरुद्ध जो आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल जो है ये कल का एपिसोड है जो हर्षदेव जी के ऊपर हमला हुआ है, ये पूरी आवाम के ऊपर हमला हुआ है। अब और पूरी आवाम को इस पर वेक होना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से जितने भी सेक्ट्स हैं, सिविल सोसाइटी के जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जितनी भी एसोसिएशंस हैं, सबसे विनम्रता से अपील करूंगा कि इस मुद्दे पर एक हो, क्योंकि अगर पुलिस एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकती है, बर्बरतापूर्वक व्यवहार कर सकती है, आम आदमी के साथ क्या होगा? व्हाट वुड हैपन टू ए कॉमन मैन?
दिस हैज टू बी टेकन द कॉग्निशंस। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा एलजी प्रशासन को भी और होम मंत्रालय से भी, अमित शाह जी से अपील करूंगा कि जो ये गुंडा राज चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, दमनकारी जो राजनीति चल रही है, शोषण की नीति राजनीति चल रही है, इससे परहेज करें। जम्मू कश्मीर आपके लिए एक प्रयोगशाला बन गया है। आप अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि ऐसे SHO के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसे अरेस्ट किया जाना चाहिए। और एक मिसाल आप कायम कीजिए कि अगर एक राजनेता के साथ जो गरीब मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, आपके मसले लेकर जो है प्रदर्शन कर रहा है, उसकी आवाज़ को इस तरह दबाया जा रहा है। अरे ये तो डिक्टेटर, जिन देशों में डिक्टेटरशिप है वहां पर भी ऐसा नहीं होता है, और ये तो लोकतंत्र का कत्ल है। अरफाज साहब, मैं तो आपके माध्यम से लोगों से ये भी अपील करूंगा कि यू मस्ट टेक दिस इशू वेरी सीरियसली। बिल्कुल, ये एक पार्टी विशेष का इशू नहीं है। लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं, जिस तरह से एक फॉर्मर मंत्री को, MLA को इस तरह से जो तरीका अपनाया गया है सरासर गलत है। और गगन जी, ये क्राइम कब से हो गया कि लोगों की आवाज़ बनना या लोगों के हित में जो है प्रोटेस्ट करना या जगाना सरकार को, रूलिंग को जगाना, ये क्राइम कब से हो गया? 5 अगस्त 2019 के बाद हो गया क्राइम। ये लॉ भी पास हो गया ना भाई, आप सत्ता के खिलाफ, कोई सत्ता जो पक्ष है उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। आप सरकार के विरुद्ध जो कुनीति है उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते। जो आवाज़ उठाएगा उसको कुचला जाएगा, और आपने देख लिया कल हद पार कर दी। क्योंकि सारी जितनी भी सरकार की कुनीति है, 35 पार्टी हमेशा उजागर करती आई है, और आज उसकी मिसाल आपने कल देख ली, जिस तरह से हरदेव जी के साथ हुआ है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं। तो जब ये इस किस्म की जब इस किस्म के एपिसोड होते हैं, तो कहाँ रह जाती लोकतंत्र, कहाँ है जमहूरियत? मुझे बताइए अरफाज साहब, आप आवाज़ उठा ही नहीं सकते इन हालातों में। और आज जो है, आज हरदेव जी ने अपने और बाकी जितने भी DDC जो मेंबर हैं, इलेक्टेड BDC चेयरमैन हैं, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है SSP उधमपुर को और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को भी, कि ऐसे अफसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। अरे रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं यार। हमने पुलिस का जुल्म तो देखा है बच्चों के ऊपर, जिस तरह डंडे बरसाते हैं। हमने आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के ऊपर भी जुल्म ढाते हुए देखा है पुलिस वालों को। देखो, समझा जा सकता है कि हालात कुछ बाहर हो रहे हैं, तो मतलब कुछ इस तरह का, लेकिन वहाँ पे तो कोई बातचीत दिखी नहीं। ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये एक पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस का गुंडा राज जो है वो पनप रहा है। हालात तो अफगानिस्तान जैसे बन रहे हैं। अब हर्ष जी बाइट दे रहे हैं और अचानक से पुलिस आ जाती है, एकदम से बाइट दे रहे हैं, पुलिस सायरन बजाते आती है, दंदनाती हुई। अच्छा, चो अपने आदमियों के साथ, अपने पुलिस कर्मियों से बाहर आता है और बिना बात किए, ये भी नहीं कि थोड़ा सा पॉज कीजिए, बात कीजिए, किस बात में धरना हो रहा है, सीधा हमला किया। द पुलिस ऑफिसर अलोंग विद हिज मैन पाउंस ऑन हर्षदेव सिंह एंड बारबेरिकली यू नो ड्रैग्ड हिम ऑन टू द ग्राउंड। ये कैसा तरीका है यार, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऐसा व्यवहार, वो उस शख्स के खिलाफ उसके साथ ऐसे व्यवहार हो रहा है जो 3 टाइम MLA रहा है, शिक्षा मंत्री रहा है, पढ़ा लिखा है, लेजिस्लेटर रहा है, बेस्ट लेजिस्लेटर का उसका अवार्ड मिला है, उसकी उसने जो अपने समय में जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है, उसको लोग उसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल। और आपने उस शख्स के साथ ये ऐसा बर्ताव किया यार? तो अभी सुबह से जब मेमोरेंडम दिया गया है, उसके बाद से कोई खबर आ रही है, कोई मतलब कार्रवाई हुई हो या कुछ इस तरह का हो, या उनसे कोई पूछा गया हो कि आपको इस तरह से क्यों इनके साथ इस तरह से ट्रीट करना पड़ा? मैंने कुछ देर पहले तो पूछा था फ़ोन पे अपने सूत्रों से, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक कोई एक्शन उस पुलिस अफसर के खिलाफ नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, मतलब एक्शन कैसे होगा? देखिए, हमने तो मेमोरेंडम में सीधा लिखा है कि इस ऐसे अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा अगर नहीं होती है तो 25 तारीख इस महीने की 25 तारीख हर्ष जी तो अरेस्ट की बात कर रहे हैं, अरेस्ट किया जाए। हाँ, उसको अरेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल अरेस्ट किया जाना चाहिए। और हमने ये भी विज्ञापन में लिखा कि अगर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, तो 25 तारीख के बाद, 25 तारीख को भी जो है उधमपुर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, रैली निकाली जाएगी, और फिर ये जो प्रोटेस्ट है, ये सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट चलते रहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो गगन जी, जिस तरह से हर्ष जी ने ये भी आरोप लगाए थे कि जिनको उन्होंने दर्जी का काम करते हुए, वहाँ पे वो दर्जी का काम करते थे, उनको MLA बनाया, आज वही उनको मतलब इस तरह मतलब परेशान करवा रहे हैं। देखिए, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसमें कोई तथ्य भी है, बात होगी,
तो अगर ये सवाल आप हरजीत सिंह सीधा पूछें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा मुझे लगता है अरफाज साहब। तो आपको लगता है मतलब भाजपा के लोग मतलब ये करवा रहे हैं या पुलिस ने खुद इस तरह का? जब हम बोलते हैं कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जब हम आवाज़ उठाते हैं तो अंडरस्टूड है किसका राज है, प्रोसीड्यूल तो भाजपा का चल रहा है ना। लेकिन बाकी जगह भी प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो कुनीतियों को उजागर नहीं किया जाता। हम तो 8 सालों से इनकी कुनीतियों को उजागर कर रहे हैं, इनकी जितनी भी सरकार की रॉन्ग पॉलिसीज हैं उसको हम लोगों के सामने लाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा। लेकिन इस जो कल का एपिसोड है ना, इसे तो सारी हदें क्रॉस कर दी, सारी हद पार कर दी है। सर जिस तरह से उनको धक्का लगा है या पीछे मतलब गिरे हैं, मारा है, धक्का लगा नहीं है, मारा गया है धक्का। सर रगड़ रगड़ के नीचे ले गए हैं उनको, रगड़ते हुए नीचे ले गए, कपड़े फट गए, जख्म आए हैं उनको। सर फट सकता था, नुकसान हो सकता। मेरी बात सुनिए, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ऐसे हालात में, तो फिजिकल इंजरी तो हुई है, यू नो इंजर्ड इन पर्सन, लेकिन और क्या क्या हो सकता है आप सोचिए, किसी के साथ भी हो सकता है। कौन है इस चीज का जिम्मेवार, कौन होगा इस चीज का जिम्मेवार? उसके बाद क्या हर्ष जी ने कोई बॉन्ड वगैरह वहां पे साइन करके दिया है? देखिए इसकी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन वो कल थाने में थे और शाम को रिलीज हुए, वहां से रिलीज हुए हैं, तो अगर रिलीज हुए तो पुलिस फॉर्मेलिटीज तो हुई होंगी। तो अंकित लव भी उनके साथ थे जिनको वहां पे रात गुजारनी पड़ी, वो क्या पूरा वाक्य था? अगर हर्ष जी रिलीज हो गए तो अंकित लव क्यों नहीं? देखिए अंकित लव जी को बोला गया बॉन्ड साइन करने के लिए, है तो वो भी पैंथर है ना, उन्होंने कहा कि मैं बॉन्ड साइन किस 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 बात की गलती है, क्यों कर रहे हैं मुचलका साइन? तो इसलिए पुलिस ने उनको वहाँ डिटेन किया, लेकिन वो एक लीगल डिटेंशन है। सुबह उनकी पेशी भी हुई डिप्टी कमिश्नर के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, और वहाँ पर उनको बरी कर दिया गया विदाउट सिग्नेचर्स, उनसे कोई साइन नहीं किए उसमें। अच्छा। और ये कहा गया कि ये लीगल डिटेंशन है। मुझे बताइए आज की तारीख में जब जम्मू कश्मीर की पुलिस, खासकर उधमपुर की पुलिस जो है, आपको इलीगली भी डिटेन कर रही, कोई किसी भी बिना किसी कारण के, तो किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? पहली कार्रवाई ये होनी चाहिए कि SHO उधमपुर है उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, दो टूक। वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स इशारे करते हुए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आप जिस तरह से वो जब हर्षदेव जी को रगड़ते ड्रैग करते हुए अंदर ले जाएगा, तो एक वहाँ पर जो पुलिस वाला है वो आँख मार रहा है, आँख विंकिंग ऑफ एन आई, ऐसे सब इंस्पेक्टर है, नाम उसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो वो आँख मार रहा है, वो ऐसे ऐसे सिग्नल कर रहा है जैसे उसका काम हो गया, जैसे लग रहा था कि ये मैनूवर्ड है, पॉलिटिकली मैनूवर्ड है, ये पूरी स्टोरी जो है पॉलिटिकल मैनूवर्ड है, ये भाजपा के इशारे पे ही कराया गया है। अरफाज साहब, अगर सीधे सब शब्दों में कहूँ तो लेट्स कॉल अ स्पेड, ये भाजपा के ही जो है षड्यंत्र रचा गया है हर्षदेव जी को इस तरह से, जो बारबरिक अटैक उनके ऊपर हुआ, जो बर्बरतापूर्वक जो भी हमला किया गया है, ये भाजपा की साजिश। तो इस तरह के एक्शन से क्या हर्ष जी पे कोई असर होगा इसका, या वो प्रेशर में आएंगे? हम लोग प्रेशर में नहीं आते हैं, हमें जितना दबाया जाता है हम उतना उससे दुगनी ऊर्जा के साथ फटते हैं। और आप अरफाज साहब, आप आज से नहीं देख रहे, हमें 8 साल से देख रहे हैं, कितनी बार हमने लोगों के लिए डंडे खाए, कितनी बार हम लोगों के लिए अंदर हुए, कफन बांध के निकलते हैं हम लोग। तो भाई ये जो प्रेशर कुकर सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे होता क्या, जब प्रेशर कुकर में जब आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो फटेगा वो। सच्चाई पे बोलना सबसे बड़ा, और हम सच्चे हैं, सच्ची बात करते हैं, जब सच सांच को आँच किया है यार, किस चीज का डरना है? डरते वो हैं जो करप्ट हैं, जो भ्रष्ट हैं, जिनके दिल में कोई मैल है। पैंथर्स के दिल में कोई मैल नहीं है, हम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों के लिए गरीबों की आवाज़ बन के उभरे हैं। अगर हर्षदेव सिंह के लिए गगन जी किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आखिर में, दो टुक SHO जो कंसर्न है उधमपुर का, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, एक मिसाल कायम करनी होगी सरकार को। वेरी गुड वेरी गुड। कि ये पुलिस है, ये रक्षा के लिए, दबाने के लिए नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो निजाम कैसे चलेगा? ये तो गेस्टापो पुलिस है, ये जैसे जो हिटलर के पास थी, और ये पुलिस का गुंडा राज जो है जम्मू कश्मीर में जो देखने को मिल रहा है, और खासकर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर, इसकी कड़ी निंदा कर हम लोग करते हैं। और हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा इस इशू के ऊपर, क्योंकि ये जो हमला हुआ है, मैं फिर से रिपीट करूंगा हरजीत सिंह जी के ऊपर, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर के युवाओं पर हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर की जनता पर हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर के व्यापारियों पर हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर के किसानों के ऊपर हमला हुआ है। तो इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, अगर आज हम एक नहीं होंगे ना तो ये आने वाला समय हमारे लिए बहुत गंदा होगा। अब दबा दिया जाएगा, आगे हम लोग जम्मू कश्मीर के आवाम को दबाया गया है, हमारी 200 साल पुरानी रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है, अब जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। और जब बोलने वाला कोई नहीं होगा ना, अगर जब बोलने वाला कोई नहीं होगा तो आप सोच लीजिए कि जम्मू कश्मीर का फ्यूचर किस अंधकार की ओर जा रहा है। हमें एक होना होगा, और जो कल हुआ है इसका हमें राजनीतिक रूप से कड़ा जवाब देना होगा।
अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है निकट समय में तो क्या कुछ रहेगा? प्रोटेस्ट के प्रोटेस्ट होंगे और आने वाले दिनों में आपको जम्मू कश्मीर एक होता हुआ नजर आएगा। मुद्दा हम लोग पूरी अपनी जितनी भी पार्टी की काडर है उनको सबको एक करेंगे। मुद्दा यही रहेगा जो हर्ष जी के साथ हुआ है, वही मुद्दा रहेगा प्रोटेस्ट का? मुद्दा तो ये भी रहेगा और सारे मुद्दे होंगे अब तो सारे मुद्दे। ये मुद्दा जो होगा ये एक न्यूक्लियस मुद्दा होगा, एक सेंट्रल मुद्दा होगा। उसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, चाहे उसमें बेरोजगारी का मुद्दा है, उसमें आप भ्रष्टाचार का मुद्दा है, रिक्रूटमेंट माफिया, माइनिंग माफिया, लैंड माफिया, लिकर माफिया, ये सारे इश्यूज उस पर होंगे। और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है ना, इसके खिलाफ अब जो है हम पुरजोर आवाज उठाएंगे। चलें, शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद अरफा साहब। तो ये थे हमारे साथ गगन प्रताप सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफा जमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज। मुझे कहता है ये शिक्षा मंत्री नहीं है था, ये रिक्शा मंत्री था। चप्पल लाओ पहले, मेरी चप्पल ले गया तुम्हारा पुलिस वाला।